अब देखिए हम लोग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन द टर्म्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट की टर्म्स के रूप में हम लोग कैसे किसी बॉडी का, किसी वस्तु के टेम्परेचर को दिखाएंगे। तो अगर समझना होगा कि अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता हो, इफ वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, देन प्रेशर इज या टेम्परेचर इज लिनियरली रिलेटेड विथ टेम्परेचर विथ प्रेशर। ये ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर जो होगा लिनियरली रिलेटेड विथ प्रेशर। तो अब देखिए यहां पर हम लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं, टी इक्वल टू ए प्लस बीपी। हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर ले लिया टी इक्वल टू ए प्लस बीपी। यहां पर ध्यान रखना वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए है, यहां पर ध्यान देना हो तो ए और बी क्या है कांस्टेंट है, ए बी क्या है कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए यहां पर एक बात समझना होगा कि ए अगर जीरो लिया जाए तो टी इक्वल टू बीपी, अगर टेम्परेचर को हम ले लें 273.16 के ट्रिपल पॉइंट, तो बी का हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन पी कहां का होगा तो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा। तो यहां से बी का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे कितना होगा 273.16 केल्विन बाय पी टी, ट्रिपल पॉइंट पर जो प्रेशर होगा। अब देखिए यहां से हम लोग का टी इक्वल टू बी का देखिए वैल्यू हम लोग का निकल चुका है, तो 273.16 के पी बाय पी टी, ये केल्विन में है देखिए यहां पर, ये देखिए आपका, तो ये फाइनल आ गया आपका। टेम्परेचर निकालना हो तो 273.16 केल्विन, इसको चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, इनटू पी बाय पी टी, ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर। और अगर कोई रैंडम प्रेशर दिया हो तो उस बॉडी का हम लोग टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये देखिए फार्मूला हो गया, किसी भी अगर बॉडी का टेम्परेचर आपको निकालना हो इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट, तो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं, रैंडम प्रेशर दिया हुआ रहेगा और ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर दिया हुआ रहेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट।